हेलो गाइस, तो आज बहुत दिनों के बाद हम आपके लिए एक ट्रांजिशन वीडियो एडिटिंग लेके आ चुके हैं। तो जैसे कि आपने प्रीव्यू में देखा, किस तरह का जो वीडियो है अभी इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो आज हम आपको इस तरह की वीडियो को यहाँ पे एडिटिंग करना सिखाने वाले हैं। तो जो लोग भी इस तरह की वीडियो को यहाँ पे एडिटिंग करना चाहता है, तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा आपको, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नहीं आ ही गए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले इंस्टाग्राम पर चलने वाले इस तरह के ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल वीडियो को देख सको सबसे पहले। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो गाइस। तो आपको यहाँ पे इस तरह की वीडियो को एडिटिंग करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले वीएन आपको यहाँ पे आपको ओपन कर लेना। ओके, तो इस वाले आपको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो प्लस वाला जो आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको टैप करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करना है। यहाँ पे आपको इस वाले वीडियो को ओपन कर लेना है, जिसको हमने इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया। तो आपको इस वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर लेना। ओके, तो यहाँ पे आपको वीडियो को डाउनलोड करने के बाद आपको इस वाले वीडियो को ओपन कर लेना। ओके, तो वीडियो को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आगे जाना होगा, और आपको इस वाले वीडियो पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे स्पीड करना होगा। तो आपको इस वीडियो को 2.94 से आपको स्पीड कर लेना। ओके, तो यहाँ पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे जो स्पीड वाला जो यहाँ पे जो कैची जो आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आपको टैप करके आपको इसे स्पीड करने के बाद आपको इसका जो आगे वाला जो पार्ट होके उसको आपको यहाँ पे डिलीट कर लेना। ओके, तो आपको इसका जो ब्लैक पार्ट है इसको भी आपको यहाँ पे डिलीट कर लेना। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो प्लस वाला जो आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आपको टैप करना है। और यहाँ पे आ जाने के बाद अगर आपको कोई भी वीडियो को लेना हो, आपके या किसी के बाइक के कार के किसी के भी आपको वीडियो लें, तो उसको भी आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपको इस तरह की वीडियो एडिटिंग अगर आपको अपने इमेज पे करनी या किसी और के, या फिर आपको किसी भी इमेज पे इस तरह की वीडियो को यहाँ पे एडिटिंग करनी, आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी इमेज को यहाँ पे आप ओपन करना चाहते हो उस वाली इमेज को यहाँ पे आपको ओपन कर लें। ओके, तो यहाँ पे आपको वीडियो या फोटोज। ओके, तो यहाँ पे आपको टोटल 7 इमेज को यहाँ पे आपको ओपन कर लें। ओके गाइस, तो इन सभी इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर लें। ओके, तो ये करने के बाद आपको यहाँ पे हमारा जो लास्ट वाला जो इमेज इस पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पे इसे पूरा यहाँ पे बड़ा कर लें। ओके, तो ये करने के बाद आपको यहाँ पे हमारा जो आगे वाला वीडियो की यहाँ पे आपको टैप करना है, और आपको इसका कलर एक्स्ट्रा ऑडियो, और आपको इस वजह से हमको आपको यह पूरा बड़ा कर लें। ओके, तो ये करने के बाद आपको ये जो हमारी इमेज होगी यहाँ पे आपको टैप करना है, और आपको इन वाले सभी इमेज को यहाँ पे आपको बड़ा कर लें। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो गाइस। तो यहाँ पे आपको ये करने के बाद आपको यहाँ पे साउंड पे टैप करना है, बीट पे टैप करना है, और यहाँ पे मैं आपको जो बीट बता रहा हूँ उसी बीट पर आपको यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे पहले बीट मार होगी 2.94। ओके, तो सेकंड बीट मार हमारी होगी 3.79। ओके, 3.79। ओके, तो आपको इस तरह से सभी बीट मार को यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना। ओके, तो इस साउंड का जो फुल बीट मार होगा वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको इसे चेक कर लेना। ओके, वहाँ पे मैं इस साउंड का जो पूरा बीट मार्क है वो मैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। ओके, तो वहाँ से आपको इसे चेक कर लूँगा। ओके, चलिए मैं सभी बीट मार्क को यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने सभी बीट मार्क को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आपको ये करने के बाद आपको यहाँ पे से डन कर लें, और उसके बाद आपको इन सभी इमेज को इन बीट मार्क के हिसाब से आपको यहाँ पे से एडजस्ट कर लें। ओके, तो यहाँ पे बीट मार्क जाना है, और यहाँ पे से स्प्लिट करना है, और आगे वाली इमेज को यहाँ पे आपको डिलीट कर लें। ओके, स्प्लिट डिलीट स्प्लिट, और आपको इसे डिलीट। तो आपको बस यहाँ पे इतना सा कर लेना। ओके, तो इंस्टाग्राम पे जो वीडियो बस यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे एडिट हुए। ओके, बस आपको इस तरह से वीडियो को यहाँ पे स्प्लिट करने के बाद आपको जो यहाँ पे जो भी इमेज यहाँ पे आपको जो भी वीडियो को रखना हो, यहाँ पे इमेज को रखना होगा, आपको इस तरह से स्प्लिट करने के बाद आपको यहाँ पे इसे रख लें। ओके, तो यहाँ पे हमें जो एडिटिंग यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी कुछ एडवांस करेंगे। ओके, तो उसके लिए आपको कोई भी इमेज पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे एफेक्ट्स पे जाना। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा अलग करेंगे। ओके, उसके लिए आपको यहाँ पे एफेक्ट्स पे जाना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी एफेक्ट्स एनिमेशन यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे आपको जो लास्ट में जो चीटल अप वाली जो एनिमेशन, ओके, क्योंकि इसको यहाँ पे आपको अप्लाई करना। ओके, तो उसके बाद आपको इसे आगे से और पीछे से आपको यहाँ पे से बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पे से अप्लाई टू ऑल कर लेना। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे सभी इमेज पे यहाँ पे एफेक्ट्स एनिमेशन यहाँ पे लग चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया दिखे। तो आपको यहाँ पे एफेक्ट्स एनिमेशन को लगाने के बाद हम यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे थोड़ा करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाली इमेज पे आपको आ जाने के बाद आपको यहाँ पे स्लाइड करना, और यहाँ पे आपको जो जूम वाला जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको टैप करना, और यहाँ पे आपको मुँह राइट वाली एनिमेशन को लगाना, और यहाँ पे आपको डन करना। सेकंड वाली इमेज पे आपको चले जाने के बाद यहाँ पे जूम पे जाना है, मुँह लेफ्ट वाली एनिमेशन को लगाना, और यहाँ पे आपको उसे डन करना है। उसके बाद थर्ड वाली इमेज पे जाना है, जूम पे जाना है, और यहाँ पे आपको मुँह राइट वाली एनिमेशन को लगाना है, और यहाँ पे आपको डन करना है। उसके बाद आपको फोर वाली इमेज पे जाना है, और यहाँ पे आपको जूम पे जाना है, और यहाँ पे मुँह लेफ्ट वाली एनिमेशन को यहाँ पे लगाने के बाद आपको यहाँ पे डन करोगे। तो आपको इस तरह से एक इमेज में मुँह लेफ्ट वाली और एक इमेज पे आपको मुँह राइट वाली एनिमेशन को लगा देना। ओके, तो पिछले में सभी इमेज पे इस तरह के एनिमेशन को यहाँ पे मैं अप्लाई कर दे। तो हमने सभी इमेज पे इस तरह के एनिमेशन को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमें जो वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से एडिट हो चुका है। इस पिछले में वीडियो को एक बार अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि हमारा वीडियो यहाँ पे किस तरह से एडिट हो चुका है। तो आप इस तरह से ये जो वीडियो उसको आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इस वाले वीडियो को यहाँ पे आपको सेव कर लो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।